كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه सुराए कहते हैं सुभानअल्लाह के हश्र में जिस पर मेरे 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 आका को प्यारा जाएगा हश्र में जिस पर मेरे हश्र में जिस पर मेरे आका को प्यारा जाएगा बस उसी को बुल का बस उसी को बुल का हकदार माना जाएगा बस उसी को बुल का हकदार माना जाएगा आ गए रूए गुलामों को भी मसनद अब गुलामों को भी मसनद पर बिठाया जाएगा अब गुलामों को भी मसनद पर बिठाया जाएगा हश्र में जिस पर मेरे आका को प्यारा सुने कि क्या हमें भी बादशाही की सनद दी जाएगी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह क्या हमें भी बादशाही की सनद दी जाएगी या رسول اللہ کیا ہمیں بھی بادشاہی کی سند دی جائے گی کیا ہمیں بھی بادشاہی کیا ہمیں بھی हमारा नाम भी मगतों में लिखा जाएगा क्या हमारा नाम भी मगतों में लिखा जाएगा हश्र में जिस पर मेरे आपको प्यारा जाएगा बस उसी को खुल का हकदार माना जाएगा एक शेर और सुने सुने
कि उड़ने वाले उड़ने वाले यशवंत भाई उड़ने वाले सुन ले ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। आप बोले तो अच्छा लगेगा। ये बताइए ख्वाजा का हिंदुस्तान है कि नहीं है? है है। हाथ उठाकर बताएं ख्वाजा का हिंदुस्तान है। कह दे सुभान अल्लाह के उड़ने वाले सुन ले ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। उड़ने वाले सुन ले ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। उड़ने वाले सुन ले उड़ने वाले सुन लिए उड़ने वाले सुन लिए जाता हिंदुस्तान है। उड़ने वाले सुन लिए जाता हिंदुस्तान है। मार कर जूता यहाँ नीचे उतारा जाएगा। अच्छा ये ग्यावी नेटवर्क वाले 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 तो हम फिर से पढ़ना पड़ेगा एक मर्तबा कि उड़ने वाले सुन लिए जाता हिंदुस्तान है। मार कर जूता यहाँ नीचे उतारा जाएगा। शिर में जिस पर मेरे मिद्दत खैरुल बशर तहरीर करता हूँ सहर। मिद्दत खैरुल बशर तहरीर करता हूँ सहर। मिद्दत खैरुल बशर एक शेर को मेरे एक एक शेर को सोने से तोला जाएगा। एक एक शेर को सोने से तोला जाते हैं कशकोल के दम रुकते हैं मेरे आका के कहां लुत्फो करम रुकते हैं। और नात लिखने के लिए इश्क है शर्त अव्वल वरना कागज पे पहुंच कर भी कलम रुकते हैं।